हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन कुकिंग सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब का हलवा। तो यहाँ पे हमने 2 सेब ले लिया था, इसको अच्छे से धुल लिए हैं। इसका हम सबसे पहले छिलका उतार लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम छिलके को उतार रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों सेब के छिलकों को अच्छे से निकाल लिया है, बीच के पार्ट को भी हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। यहाँ पे हमने सारे छिलकों को निकाल लिया है, छिलका हम सबसे पहले हटा लेंगे। सेब को हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। यहाँ पे हम काट रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा बड़ा पीस नहीं रखेंगे, आप देख सकते हैं। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, अब हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। अब इसमें सेब ऐड कर देंगे। सेब को हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। कितना अच्छे से ये गल रहा है आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालने से अच्छे से ये गल जाता है। इसे आप व्रत के लिए भी बना सकते हैं। ये अभी अच्छे से पक गया है गाइज, आप देख सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 लीटर दूध। दूध भी हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको सूखा होने तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये सूखा ना हो जाए। अभी पक रहा है। एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 बादाम। बादाम को हमने क्रश कर लिया था। थोड़ा सा नारियल पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितना टेस्टी बना हुआ है फ्रेंड्स। अभी अच्छे से पक चुका है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं गाइस, कितना यम्मी बनके तैयार हुआ है। एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा बना हुआ है। थैंक यू ऑल।